नहीं हुआ तो तुम नरकगामी हो गए। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी चीज का संकल्प यदि कर ले और पूर्ण नहीं हुआ तो उसको नरक मिलेगा, पक्का है। हम थोड़क सी कह रहे हैं अपनी तरफ से, भगवान इशारा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि आपने तीन पग का जो संकल्प किया है पूर्ण नहीं हुआ, तो राजा बलि कहता है, प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान कहते हैं धन बड़ा नहीं होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि ने अपना सिर और शरीर पूरा नपवा दिया, तीसरा पग में पूर्ण संकल्प कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने तीन पग में राजा बलि को भी नाप लिया। जब राजा बलि का तीन पग में सारा राजपाट पृथ्वी लोक पाताल लोक सब नाप लिया और राजा बलि से देखिए अब भगवान क्या कहते हैं, हे राजन तुम मांग लो। देखिए पहले खुद मांगा और अब राजा बलि से कहते हैं अब तुम हमसे मांग लो। क्यों मांग लो? भगवान इशारा कर रहे हैं क्योंकि पहले तो मैं किसी का लेता नहीं हूं, लेता हूं तो उसको देता हूं। राजा बलि से कहा वरदान मांग लो। राजा बलि वरदान मांगता है, देखिए कहता है प्रभु देना चाहते हो तो आप ऐसा वरदान दो कि आप हमारे समक्ष रहो, हमारे पास में रहो। भगवान ने वरदान दिया कि हे राजन हम तुमको वरदान देते हैं, राजन तुम्हारे पास में रहेंगे। राजा बलि को वरदान दिया लेकिन राजा बलि कहता है कि मेरे जितने भवन में गेट हैं प्रभु आप उन गेट पर जब जब मैं उस गेट से निकलूं तब तक आपका दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा तथास्तु तुमको ऐसा ही वरदान देता हूं। यहां लक्ष्मी जी को पता पड़ा कि स्वामी नहीं दिख रहे, कहां गए स्वामी। तो यहां लक्ष्मी जी रुदन कर रही हैं। लक्ष्मी जी रुदन क्यों कर रही हैं कि स्वामी का पता नहीं है। नारद जी पहुंचते हैं और कहते हैं तुम्हारे स्वामी की तो नौकरी लग गई है, और नौकरी के पीछे आजकल ऐसे पड़े आदमी, हाँ और नौकरी दूर भग रही है और बेचारे भूखे प्यासे। तुम देखकर नौकरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। जिसकी किस्मत है उसी को नौकरी मिलेगी। कहते हैं ना कि किस्मत से ही सब कुछ मिलता है। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले। यदि तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मन तुम्हें मार देगा और तुमने किसी से प्रेम किया है तो प्रेम मिलेगा। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। और हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसी को मिलेगा प्यार। आज भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया और यहाँ नारद जी पहुंचते हैं और नारद जी महाराज कहते हैं तुम्हारे स्वामी की नौकरी लग गई है। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया कहती है कैसे अब हम अपने स्वामी को लेकर आएंगे, क्या करना चाहिए।
तो नारद जी ने कहा कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है और आप राजा बलि के यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन बनकर जाइए और राजा बलि को जब आप राखी बांधेंगी तो कह देना, जब राखी बांधने के बाद तुम्हारा भाई कहेगा कि बहन कुछ मांग लो तो सिर्फ आप यही मांगना कि आप अपना पहरेदार दे दो, कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ ये कहना कि आप पहरेदार दे दो। देखिए बामन भगवान भी बनकर आए हैं राजा बलि को छलने के लिए और लक्ष्मी जी भी बहन बन के आई छलने के लिए। आज नारद भगवान ने लक्ष्मी जी को समझाया और लक्ष्मी जी तैयार हो गई। वही रक्षाबंधन का त्यौहार आया और रक्षाबंधन के त्यौहार पर लक्ष्मी जी थाली लेकर राजा बलि के पास पहुंचती हैं और राजा बलि की कोई बहन नहीं है। रक्षाबंधन के दिन राजा बलि दुखी हो रहा है, जिस भाई के पास में बहन नहीं होती उस भाई से पूछो और जिस बहन के पास में भाई नहीं होता उस बहन से पूछो क्या बीतती है उस दिन। और लक्ष्मी जी पहुँचती हैं राजा बलि के पास पहुंचती हैं। राजा बलि ने देखा कि यहाँ प्रकाश किस चीज का हो रहा है तो राजा बलि ने कहा अरे कौन हो। तो लक्ष्मी जी कहती हैं हे भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ। जहाँ लक्ष्मी जी ने इतना कहा तो राजा बलि ने कहा कि मेरी तो कोई बहन नहीं है, मो बोली भी बहन मानते हैं कुछ लोग। यदि आपने किसी से बहन मान लिया तो वो भी रिश्ता बहन भाई का भी हो जाता है। आज लक्ष्मी जी ने जैसे कहा हे भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ तो राजा बलि ने कहा बहन फिर बाहर क्यों खड़ी हो, आप अंदर आइए। और लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और लक्ष्मी जी ने कलाई पर जब राखी बांधते बांधते भगवान को देखा, भगवान छोटी सी लाठी लिए खड़े हैं और भगवान हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं कि हम भी बनकर आए हो तुम भी बनकर आए, अब होशियारी करना। लेकिन देखिए जैसी राखी बांधी और राजा बलि कहता है बहन मांग लो कुछ, तो बहन कहती है हे भाई हमको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारा पहरेदार, ये सारा करती है। और क्या कहती हैं हे भाई ये अपना जो रेशम का जो धागा है ये पवित्र है इसको निभाते रहना। क्या कहती हैं भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, 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 भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। जहाँ इतना कहा तो राजा बलि की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा बलि ने कहा नहीं बहन, यदि मैंने आपको बहन माना है तो मैं जीवन भर बहन मानूंगा, लेकिन आप ये पहरेदार वो क्यों मांग रही हो। बहन कहती है नहीं पहरेदार ही चाहिए। देखिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मी जी देख रही हैं और राजा बलि ने बहन की बात को मना नहीं किया, कहा ठीक है। भगवान ने चतुर्भुज रूप में आकर दर्शन दिए, लक्ष्मी जी ने भी दर्शन दिया और राजा बलि के सामने भगवान खड़े हैं। देखिए ऐसा भक्त कोई हो सकता है कि पति पत्नी सहित दर्शन देने के लिए गए,
और राजा बलि को वरदान दिया कि अब हम जाते हैं। तो राजा बलि से जब भगवान ने इतना कहा तो भगवान कहने लगे कि हम आपके पास में रहेंगे, दर्शन तो देंगे। चार चार महीने सबकी ड्यूटी लगा दी, चार महीने भोले बाबा, चार महीने ब्रह्मा जी, चार महीने विष्णु जी, सबको सौंप दिया। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता एक ही समान है। राजा बलि के पास में रहते हैं, दर्शन देते हैं, और राजा बलि ऐसा भक्त हुआ है कि भगवान को बुला लिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय, संत समाज की जय। और कल देखिए कन्हैया का जन्म उत्सव होगा, तो सभी माताएं बहन अपने घर से दूध दही लेकर आए। देखो हमारे पास तो दूध है नहीं, क्या भैंस गज्जा का चूरा ही नहीं है। जो को भैंस गज्जा रखे वो हाथ खड़ो करो, हम समझने को ले आए दूध। लेकिन डेली भी बहुत खुल गई, खुली डेली पानी को दूध बना रहे, बना पानी को। हमने तो देखो है रिफंड को पैकेट डाल दे तो एक शीशी डाल दे, एक पाउडर से दूध बन जाता। और जो डुप्लीकेट दूध बेच रहा हो, देखियो डुप्लीकेट को का हाल होने। इसलिए डुप्लीकेट भगवान को वो प्रसाद लग रहा हो, नहीं लग रहा, भोगना पड़ेगा। भगवान के लिए दूध दही लेकर आए और कल पीले वस्त्र पहनकर आए सभी माताएं बहनें। कन्हैया का जन्म उत्सव होगा और कल ठीक 12 बजे वो आप लोग उपस्थित